महाराणा प्रताप, महान पुरुष, निसंदेह महान पुरुष। क्या भारतीय इतिहास के किसी खून में इतनी चमक है? स्वतंत्रता के लिए किसी ने इतनी कठिन परीक्षा दी? जननी जन्मभूमि के लिए किसी ने इतनी तपस्या की? देशभक्त, लेकिन देश पर एहसान जताने वाला नहीं। पूरा राजा, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं। उनकी उदारता और दृढ़ता का सिक्का शत्रुओं तक ने माना। अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान ने खाना की बेगमों को वापस लौटाने पर रहीम जी ने एक दोहा कहा था, धर रहस्य धर्म रहस्य, कब्जासी कुरसाण, अमर विशंबर ऊपरे, राग नियत चौराण। अर्थात हे राणा प्रताप, मैं नहीं जानता कि यह धरती कब तक रहेगी, यह धर्म कब तक रहेंगे, यह मुगलिया सल्तनत, यह खुरासान वालों का राज्य कब तक रहेगा, लेकिन हे राणा प्रताप, मैं इस बात को जानता हूँ कि युगों युगों तक जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तुम इस धरती पर याद किए जाओगे। यह महाराणा प्रताप की महानता ही है कि उनके शत्रु पक्ष से भी उनकी अमरता के बखान किए जाते थे। भारत में बहुत से बड़े युद्ध हुए हैं, जैसे तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, लेकिन कभी किसी के मुंह से यह सुनने को नहीं मिलता कि चलो तराइन देख कर आए या पानीपत देखने जाए, लेकिन उदयपुर आने वाला हर शख्स हल्दी घाटी देखने जरूर आता है, उस मिट्टी को अपने साथ लेकर जाता है। हल्दी घाटी आज भी लोगों को इस प्रकार आकर्षित करती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि 18 जून 1576 को उन 3 घंटों के दौरान जरूर वहां कुछ विचित्र घटनाएं घटित हुई होगी, जिनसे लोग आज भी अपना नाता नहीं तोड़ पा रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में अक्सर कहा जाता रहा है कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। बाद में कुछ तथ्य सर्वविदित हुए तो कहा जाने लगा कि यह युद्ध अनिर्णित रहा था, लेकिन इतिहास के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता रहा कि सही इतिहास कभी किसी ने बताया ही नहीं। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के खुद के दरबार का एक इतिहासकार मौजूद था, अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने मुंतकबुत तवारिक नामक पुस्तक लिखी थी। बदायूनी वर्णन करता है कि हल्दी घाटी के उस तंग दर्रे में गोगुंदा के पास के उस स्थान पर इतना भयंकर युद्ध हुआ था। शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास नदी के पास से होते हुए 8 मील तक वापस भागी थी। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हारी हुई सेना ही भागती है, न कि जीती हुई। बदायूनी कहता है कि जब हमारी सेना भाग रही थी तो मैंने आसफ खान से पूछा कि तीर कहाँ चलाए जाए, तो आसफ खान ने कहा था कि आंख बंद करके तीर चलाओ, दोनों तरफ से मरेंगे हिंदू ही। बदायूनी खुद बहुत कट्टर था। युद्ध में आने से पहले जब उससे पूछा गया कि आप युद्ध में क्या करेंगे, आपके हाथ तो कलम चलाने के लिए बने हैं, वहां तो तलवारें चलेंगी, तो बदायूनी ने कहा था कि जब हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी को लगाऊंगा। बदायूनी आगे लिखता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद जब हम गोगुंदा पहुंचे थे तो हमारी फौज रात में हमला होने के अंदेशे से इतनी डरी हुई थी कि हमने जो भी वस्तु हाथ आई उसे चारों तरफ दीवार चुनवाई थी। इस बात का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि डरा हुआ रहने वाला जरूर हारा ही होगा, वरना जीता हुआ तो जश्न मनाता है। बदायूनी पुनः लिखता है कि जब हम गोगुंदा से अजमेर के लिए निकले तो जून की भयानक गर्मी में बार बार भिल्लों और मेवाड़ी फौज द्वारा हमें लूटा गया। इतिहास में अकबर की यह कथित जीती हुई फौज ही एकमात्र फौज रही होगी जिन्हें जगह जगह लूटा गया, वरना तो जीती हुई फौज ही सबको लूटती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फौज की क्या दशा रही होगी। मुगल फौज का मनोबल इतना गिर गया था कि कहीं भी जरा सी भी आवाज होती तो उस आवाज से यह फौज घबरा उठती थी। बदायूनी लिखता है कि जब मानसिंह और आसफ खान अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने इन दोनों की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। उनके दरबार में आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा कब होता है कि जब जीते हुए सेनापतियों को दरबार से बर्खास्त कर दिया जाता है? यकीनन वे हार कर ही आए थे, तभी अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद की थी। महाराणा प्रताप इस युद्ध में इस कदर मुगलों पर हावी हुए थे कि मुगल महाराणा नाम मात्र सुनकर दुबक जाते थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप जब मानसिंह के हाथी की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में बहलोल खान आ जाता है। महाराणा प्रताप तलवार के एक वार से बहलोल खान को घोड़े समेत चीर देते हैं। इस संबंध में वीर सतसई में क्या खूब दोहा लिखा है कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम की ओद्वे भुजंते पातल ने कर एक। अर्थात जरासंध और बहलोल खान के वध में यह समानता नजर आती है कि भीम ने जब जरासंध का वध किया था तो दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था, लेकिन पातल या महाराणा प्रताप ने तो
बहलोल खान को एक हाथ से चीर कर रख दिया था। हम सब कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की, जिसके बाद कोई मुगल महाराणा के आसपास तक आने की हिम्मत नहीं कर पाया था। यह अपने आप में दर्शाता है कि मुगल महाराणा से किस कदर भयभीत हो उठे थे। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी के आसपास भूमि दान दी गई थी। दान में दी गई भूमि के तामर लेख आज भी उपलब्ध है। महाराणा प्रताप द्वारा गोडियाना, जड़ोल, सांचोल और लाखाला गांव में दिए गए भूमिदान से साबित होता है कि प्रताप का युद्ध के बाद भी इन मैदानी इलाकों पर प्रभावी नियंत्रण था, जो यह दर्शाता है कि जीत यकीनन उनकी ही हुई थी। अकबर का खुद का दरबारी पदायूनी चीख चीख कर कह रहा है कि हम हार गए थे, लेकिन इससे हमें क्या। हमने तो पढ़ा है कि प्रताप इस युद्ध में हार गए थे। इतिहास को जिस दिन सही से कंगाला जाएगा तो महाराणा प्रताप से जुड़ी बहुत सी रोचक बातें सामने आएगी। अक्सर कह दिया जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह जी की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उन्हें घास की रोटियां खानी पड़ी थी। छोटे से बालक अमर सिंह के हाथ से अनबिला वह घास की रोटी भी छीन कर भाग गया और अमर सिंह भूख से बिलखने लगा। लेकिन इतिहास को सही से पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि अमर सिंह का जन्म 1559 ईस्वी में हो गया था। अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में ही उदयपुर की स्थापना की गई थी। 1559 में जन्मे अमर सिंह हल्दीघाटी के समय 17 साल के हो गए थे। इस युद्ध के समय वे रानियों के रणनिवास के रक्षा का दायित्व निभा रहे थे। जिस अमर सिंह को इतिहासकार घास की रोटियां खिला रहे थे वही अमर सिंह हल्दीघाटी युद्ध के महज 6 साल बाद दिवेर के युद्ध में मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाले से कुछ इस तरह मारते हैं कि भाला सुल्तान खान को चीर कर जमीन में आधा धस जाता है। कहते हैं कि मरते हुए घायल सुल्तान खान से जब महाराणा ने आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा था कि मैं उस योद्धा को देखना चाहता हूं जिसने मुझे भाला मारा है। अमर सिंह को बुलाया गया लेकिन सुल्तान खान के प्राण नहीं निकल पा रहे थे, तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भाला निकालने के लिए कहा। भाला इतनी गहराई तक धस गया था कि उस भाले को अमर सिंह द्वारा अपने दोनों हाथों से सुल्तान खान पर पैर रखकर खींचना पड़ा था। इतिहास किस तरह की विचित्र कहानियों से भर दिया गया है। अक्टूबर 1582 का यह दिवेर का आक्रमण हिंदुस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें पूरी मुगल फौज मार दी गई थी। कर्नल जॉनस्टोड कहता है कि यह मेवाड़ का मैराथन है। 490 BC में ग्रीस और ईरान के मध्य हुए मैराथन के युद्ध से कर्नल जॉनस्टोड इसकी तुलना करता है किस कदर वो दिवेर का युद्ध महान रहा होगा। लेकिन हमारे इतिहासकार पूरे युद्ध को ही खा गए, क्योंकि दिवेर के युद्ध को पढ़ाया जाए तो पढ़ाना पड़ेगा कि बांसवाड़ा, इडर और प्रतापगढ़ की सेनाएं मेवाड़ के पक्ष में लड़ी थी। दिवेर को पढ़ाना पड़े तो आपको लिखना पड़े कि महाराणा के साथ पड़ोस के राज्य जुड़े हुए थे, क्योंकि वे संगठन निर्माता थे। यदि इस युद्ध को पढ़ाया जाए तो आपको बताना पड़े कि अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान को भाला मारा था जो उसे चीरते हुए जमीन में आधा धस जाता है। लेकिन हमें तो भूख से बिलखते हुए अमर सिंह की कहानियां ही बताई गई है। हमें तो अकबर महान पढ़ाया गया है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी थी। उस समय के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 379 लोगों को मार दिया गया था, लेकिन यह तो सरकारी आंकड़े थे, असल में लगभग 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस डायर को आज हम भर भर कर कोसते हैं। किसी बेरहम और निरंकुश व्यक्ति की तुलना डायर से की जाती है, लेकिन इतिहासकार किस कदर इतिहास को छुपाते हैं कि 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 कटवा दिए थे। आज दिन तक कोई किसी हत्यारे की तुलना अकबर से नहीं करता है, हर हत्यारे की तुलना डायर से कर ली जाती है। अंग्रेजों ने तो इसके बाद कई बार इस घटना के लिए माफी मांगी है, लेकिन अकबर ने तो अपनी किताब में गर्व सहित लिखवाया है कि 30,000 काटे हैं, काफिरों को मारा है हमने, कोई उठा दे अंगुली। क्योंकि धर्म निरपेक्षता की चाशनी इस कदर मट दी गई थी कि हम उससे बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, इतिहास को शोधपूर्ण दृष्टि से देखना ही नहीं चाहते हैं। यदि महाराणा प्रताप किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो निश्चित रूप से उन्हें उस देश का राष्ट्रपिता घोषित किया जाता। गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते हैं कि यदि महाराणा प्रताप अमेरिका में पैदा हुए होते तो वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन से उनकी किसी तरह कम पूजा ना होती। इंग्लैंड में होते तो वेलिंगटन और नेल्सन को उनके सामने सिर झुकाना पड़ता। स्कॉटलैंड में बल्स और रॉबर्ट ब्रूस उनके साथी होते। फ्रांस में जोन ऑफ आर्क उनके टक्कर की गिनी जाती और इटली आपको मेजिनी के मुकाबले में रखती। लेकिन हाँ, हम भारतीय निर्बल आत्माओं के पास है ही क्या
जिसे हम आपकी पूजा करें और आपके नाम की पवित्रता का अनुभव करें। एक भारतीय युवक आंख में आंसू भरे हुए अपने हृदय को दबाता हुआ लज्जा के साथ आपकी कीर्ति गा नहीं रो नहीं कह बढ़ लेने के सिवा और कर ही क्या सकता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर। जुड़े रहे हमारे चैनल स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।